यार बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन वन ऑफ द गुड एक्टर्स है जिनको अपना ड्यू अभी भी नहीं मिला है। जब कभी हम बात करते हैं कि बड़ी मूवीज़ कौन सी आएंगी तो खान कपूर और कुमार जैसे नाम आते हैं, बट ऋतिक रोशन के ऊपर भी भरोसा दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उसकी आने वाली हैं नेक्स्ट। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनके बजट भी इतने मोटे हैं और इस मोटे बजट के बाद कितनी रेवेन्यू हिंदी सिनेमा में आने वाली है वो ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम ये बात करते हैं कि सबसे पहली मूवी कौन सी है। फाइटर सबको पता है कि आने वाली जल्दी, दीपिका पादुकोण उसके अंदर दिखने वाली है, अनिल कपूर उसके अंदर दिखने वाले हैं। जून में इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद रिलीज होगी जनवरी 2024 के अंदर। 250 करोड़ रुपए की मूवी है, कम से कम इसका जो पोटेंशियल है वो 400 से 500 करोड़ रुपीज़ होगा। ऋतिक रोशन की अपनी एक फैन इक्विटी है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ तक कि जब एक विक्रम विदा जैसी मूवी आती है तो वो भी 130 करोड़ रुपीज़ कर जाती है, जब रीमेक का पूरा हल्ला मच रहा था। उसके बाद उनकी जो मूवी आने वाली वो है आयान मुखर्जी के साथ वॉर 2, स्टाइलाइज तरीके से बनेगी, काफ़ी बड़े बजट के साथ, 200 करोड़ के बजट के साथ बन रही है। और क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी का पार्ट है और क्योंकि इसके अंदर साउथ के एक्टर NTR भी हैं, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स भी है और क्योंकि इसके जो इवेंट्स हैं टाइगर 3 के बाद होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन इसकी भी होगी। शूटिंग इसकी स्टार्ट होगी नवंबर 2023 के अंदर और दिवाली के आसपास 2024 में इसका राइट टाइम है रिलीज़ होने का। तो काफ़ी बड़ी रिलीज़ होगी और जब ये रिलीज़ होगी तो इसका पोटेंशियल भी करीबन 500 से 750 करोड़ रुपये 100% हो गई होगा। फिर बात करते हैं जो इनके खुद के घर की प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली है क्रिश 4 की। पहले 5 भी इकट्ठे बननी थी पर अभी 4 ही बनेगी, अग्निपथ के डायरेक्टर के साथ, करण मल्होत्रा के साथ। काफ़ी टाइम से इसकी न्यूज़ चली रही है। प्री प्रोडक्शन जो स्टेज है इसकी जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगी, काफ़ी पैसे लगेंगे प्री प्रोडक्शन के अंदर ही। फिर शूटिंग जो है वो कंक्लूड हो जाएगी आपकी अगस्त 2024 के अंदर, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद रिलीज जो है वो 2025 में होगा, क्योंकि VFX बहुत ज़्यादा हैवी होने वाले हैं। यहाँ तक कि इसका बजट करीबन 275 से 300 करोड़ होने वाला है। इसके अलावा और मूवीज़ में भी आपको दिखने वाले हैं ऋतिक रोशन, तो अभी पेट भरा नहीं है। टाइगर्स वर्सेस पठान के अंदर भी इनका एक कैमियो हो सकता है और एक कॉमेडी मूवी के अंदर ये ही वॉन्ट्स टू ट्राई, बिकॉज अभी तक जो कुछ भी इन्होंने ऋतिक रोशन ने किया है सीरियस और अलग अलग तरीके की पीरियड फिल्म्स, लेकिन जो चीज़ नहीं करी है वो है कॉमेडी। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल क्या बनता है इन सब मूवीज़ का, तो वो है करीबन करीबन 1000 करोड़ रुपए। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न देने वाले हैं रोशन भैया वो होगा करीबन करीबन 1550 से 1700 करोड़ रुपए के आसपास। अगर ये सारी मूवीज़ चलती हैं जैसे एक्सपेक्टेड हैं तो इतनी बड़ी रेवेन्यू जो है अकेली ऋतिक रोशन के ऊपर टिकी हुई है, विच मीन्स अपने आप में एक बहुत ही मिड साइज इंडस्ट्री ऋतिक रोशन बन रहे हैं। तो जो लोग भी ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं रेस्ट अश्योर्ड कुछ बड़ा ही वो करने वाले। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस बड़ी महंगी स्लेट को लेके कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।